हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के लिए लाए हैं एक वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स का है। तो यहाँ पे आपको क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स में कौन से टॉपिक ऐसे हैं, तो आपको जो बहुत ही अच्छे ये ट्रिक है और ट्रिप्स हम आपको बताएंगे यहाँ पे, वो है कि मात्र 35 टॉपिक आप तैयार कर लीजिए जो कि सबसे महत्वपूर्ण है आपके क्लास ट्वेल्थ फिजिक्स में। अगर आप इस 35 टॉपिक जो है अगर इसको आप तैयार कर लेंगे तो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में फिजिक्स में 70 में 70 आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आना बिल्कुल 100% गारंटी है, पक्का आएगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए, इससे बाहर नहीं, यानी कि हमने जो 35 टॉपिक लिया है इससे बाहर आपके फिजिक्स में नहीं आएगा। अगर आ गया ना तो हम यूट्यूब पे स्टडी कराना छोड़ देंगे, ठीक है। अगर इससे बाहर आ गया तो आप लोग मुझे गोली मार दीजिएगा, ठीक है, मेरे घर आकर। हम नहीं आएंगे, आप लोग मेरे घर आकर मुझे गोली मार दीजिएगा अगर आपको 35 टॉपिक अगर ये नहीं आए आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। बिल्कुल डायमंड फिजिक्स का, अगर अभी तक फिजिक्स एकदम जीरो है आपका ना, बिल्कुल तैयार नहीं हुआ, तो सिर्फ इस 35 टॉपिक को तैयार करो, आप हीरो हो जाओगे, ठीक है। तो आपको सिर्फ 35 टॉपिक को इसको तैयार करना है। अगर इस 35 टॉपिक ये जो है ये आपकी लाइफ बना देगी पूरी, ठीक है, फिजिक्स में आपको ग्रेट कर देगी। अगर फिजिक्स से डरते हो ना तो आज ये हलवा बन जाएगा आपके लिए। तो आपको इस वीडियो को हमारे देखने के लिए वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना होगा, ठीक है। जो आप लोग स्किप कर करके देख लेते हो ना भगा भगा कर, वैसे आप लोग नहीं करना है। अगर वैसे करोगे तो हमारे टॉपिक छूट जाएंगे, हेडिंग छूट जाएंगे, और आप लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजर, आप लोग जानते हो, छोटी जो जानकारी होती है वो खतरनाक होती है। तो आप लोग छोटी क्यों लोगे, पूरी नॉलेज हमारा लीजिए, और आपके लिए ये बहुत ही डायमंड हमारा ये वीडियो है। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा व्यू जाना चाहिए, और आप लोग इस पर लाइक कम से कम, ज़्यादा तो आप लोग वीडियो को लाइक हमारे नहीं करते हो, लेकिन हम एक टारगेट रखते हैं कि कम से कम आप लोग 200 लाइक ज़रूर हमारे इस वीडियो पर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगी, ठीक है, तभी करिएगा। कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा। अगर ये 35 टॉपिक नहीं आएंगे ना तो हमारा यूट्यूब चैनल खोज करके, हमारी इस वीडियो को खोज करके आप लोग चैनल को अनसब्सक्राइब और हमारे वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा, इतनी हम गारंटी लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, अब हमारा ये टारगेट है कि कमज़ोर जो स्टूडेंट है वो भी टॉपर बनेंगे। जब कमज़ोर स्टूडेंट को हम टॉपर बनाने के अपने अंदर पावर रखते हैं, क्षमता रखते हैं, तो टॉपर को किस शिखर पर ले जाने की क्षमता मेरे अंदर है, आप लोग इसका अनुमान कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो पहला टॉपिक है वो है गुलाम का नियम। यहाँ पे हम आपको देखिए सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड दोनों से बताएंगे, ठीक है। दोनों से हमने मिलाकर ये 35 टॉपिक तैयार किया है, जो कि काफ़ी स्ट्रगल से तैयार किया है। आप सभी लोगों के लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं, मेहनत करते हैं, ठीक है, आप लोगों की लाइफ के लिए। मेरे गुलाम का नियम ये जो टॉपिक है, बिल्कुल आपका फिजिक्स का बिल्कुल डायमंड ये टॉपिक है, आपके लेसन वन पार्ट वन का, ठीक है। तो यहाँ पे आप गुलाम के नियम को तैयार कर लीजिए। हमने कई बार आपको वाइट बोर्ड पे इस गुलाम के नियम को बता चुके हैं। हमारे यहाँ लाइट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लाइट रहती भी नहीं है, दिन में भी नहीं, रात में भी नहीं, बहुत एक आध दो घंटे ही आती है, इसलिए हम वाइट बोर्ड पे वीडियो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। फिलहाल हमारी नॉलेज और जानकारी से आपसे मतलब है, और वाइट बोर्ड या कॉपी या कुछ भी हो सब एक ही है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई माने नहीं रखता। तो यहाँ पे देखिए, गुलाम का नियम पहला जो है वो गुलाम का नियम है, आप लोग इसको बिल्कुल तैयार कर लीजिए। आपको हम एक सरल ट्रिक के माध्यम से, तो बिल्कुल बच्चों की तरह ट्रिक के माध्यम से आपको समझाए हुए हैं। आप हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं गुलाम का नियम। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो कौन सा रहा, नेक्स्ट टॉपिक देखिए जो आपका पार्ट एक का ही है, ठीक है, वो है अध्यारोपण सिद्धांत तथा सतत आवेश वितरण। ये जो है इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। जितने भी 35 टॉपिक है ना, ये अगर ये 35 टॉपिक को आप तैयार की नहीं किए ना, तो फिजिक्स में कितनों भी पढ़ लोगे आपको नंबर नहीं आ पाएगा, इसलिए आप इस 35 टॉपिक को सिर्फ तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा कि अध्यारोपण सिद्धांत तथा सतत आवेश वितरण, ये भी आप लोग तैयार कर लीजिए, बिल्कुल डायमंड प्रश्न है। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा आपका गॉस की प्रमेय, ठीक है, गॉस की प्रमेय जो होता है, गॉस की प्रमेय को आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिए। इसके जो
व्यंजक होते हैं उसको भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आते हैं। यहाँ हम आपको 70 में 70 क्लियर करने के लिए ये 35 टॉपिक लिख रखे हैं, ठीक है, बहुत ही ध्यान से समझेगा। यहाँ पे गॉस का परिमेय, तो इसको भी तैयार कर लीजिए आप। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रहा वो वांडे ग्राफ जनित्र का आपको फिगर वगैरह सब चीज़ डायग्राम आपको तैयार कर लेना है, और इसके पूरे सिद्धांत को तैयार करना है। अगर यहाँ से आप वांडे ग्राफ जनित्र तैयार कर लेंगे ना, तो आपकी जो प्रैक्टिकली होती है 30 नंबर, उसमें भी आप अगर अपने चार्ट पे, ठीक है, प्रैक्टिकल में वांडे ग्राफ जनित्र को अगर चार्ट पे बना लेंगे, तो इससे संबंधित आपका क्वेश्चन भी तैयार हो जाएगा और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी व निरअच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का व्यंजक। इन सभी का आंसर अगर आप देखना चाहते हो ना, तो हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर सभी को बारीकी से बिल्कुल समझाया गया है। अगर वहाँ से आप देख लोगे तो आपको बिल्कुल 100% गारंटी है कि आपको पूरे टोटल ऐसे तैयार हो जाएंगे जैसे आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो यहाँ पे देखिए, जो एक अच्छी स्थिति है और एक निरक्षी, दोनों को तैयार कर लीजिए ना, कर लोगे ना, तो आपको एक हम बिल्कुल लिख दे रहे हैं कि दोनों को अगर तैयार कर लिए आप, तो यहाँ पे आपका 5 नंबर इस टॉपिक से रखा हुआ है फिजिक्स में, और ये बिल्कुल लिखित है कि कई बार आ चुका है और आता भी है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए, ठीक है। व्यंजक इसका निकालना होता है, सूत्र निकालना होता है। फिर नेक्स्ट जो है वो गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र का ज्ञात करना है, सूत्र ज्ञात करना है, ठीक है। जो गॉस के नियम का उपयोग करके कई, यहाँ पे देखिए कई व्यंजक दिए इस तरह के, ठीक है, एक अनंत समतल चादर है, एक वृत्ताकार है और एक बेलनाकार है ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे अनंत समतल चादर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। अगर इसको तैयार कर रहे हो तो आप लोग एक नज़रिए से उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा जो हमने बताया कि बेलनाकार और वृत्ताकार पे भी ये जो होता है वैद्युत क्षेत्र निकाला जाता है गॉस के नियम का उपयोग करके, ठीक है। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, जो रहा वो वैद्युत फ्लक्स, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए, वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। आप लोग इसका फार्मूला, डेफिनेशन सब चीज़ तैयार कर लीजिए, आपको बिल्कुल बारीकी से समझाया गया है अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे। जितने भी हमारे 35 टॉपिक है ना, सभी के वीडियो आपको मिल जाएंगे हमारे चैनल यूट्यूब चैनल पे, और भी बिल्कुल बारीकी से मिलेगा, इस तरह के समझाए ट्रिक और ट्रिप्स के साथ मिलेंगे। तो वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं आप लोग तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो वैद्युत विभव, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। ये नहीं कि सिर्फ वैद्युत विभव ही तैयार करें, आप लोग को इसका डेफिनेशन और इसकी जो बीमा होती है, डायमेंशन, यूनिट्स, सभी चीज़ आपको तैयार करनी है, तब जाके आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और ध्यान देने वाली एक और बातें हैं कि एक हमारी सेकंड चैनल है टेक्निकल लवली, क्योंकि आई एम ए ऑलराउंडर मैम या गर्ल, ठीक है, तो हमारा एक टेक्निकल लवली यूट्यूब चैनल है, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे जो है वो है सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं। जैसा कि हम आपको क्लास 12 फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी इसको बताएं कि सम विभव पृष्ठ किसे कहते हैं, तो आप लोग इसको भी तैयार कर लीजिए, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल लिखित है कि ज़रूर आएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और डायमंड टॉपिक है वो कौन सा है, तो वो रहा यहाँ पे कि वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी अनुदैर्ध्य, ठीक है, जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके अच्छी स्थिति को आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कल इसको अनुदैर्ध्य भी कह देता है, ठीक है। तो अगर ये भी दे दिया तो आप अच्छी का ही व्यंजक प्राप्त करोगे। और यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे कहा है कि स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र ज्ञात कीजिए। देखिए, एक आपका वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड है और एक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको दोनों तैयार कर लेना है और इसके फार्मूले को बिल्कुल अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि जो वैद्युत विभव होता है उसमें आर स्क्वायर नहीं होता है और वैद्युत क्षेत्र में आर स्क्वायर होता है, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट, ये भी हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर मिलेगा इसकी डेरिवेशन। नेक्स्ट जो है वो अफवाह वेग है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए, चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है वो सेल का वैद्युत वाहक बल तथा विभवांतर, ठीक है, जो सेल का वैद्युत वाहक बल और विभवांतर है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए, ये भी आपका डायमंड क्वेश्चन में से एक है, ठीक है, इसको भी आप लोग बिल्कुल तैयार कर लीजिए। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कहीं भी आप देख सकते हो इसको, क्वेश्चन बैंक में देख सकते हो या कहीं भी आप मॉडल पे
पेपर में सर्च कर सकते हो, आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। तो यहाँ पे ठीक है, और यहाँ पे नेक्स्ट है कि किरचाप के नियम तथा उसके ऊपर। किरचाप का नियम का मतलब कि किरचाप के दो नियम होते हैं, आप दोनों नियम को एकदम तैयार कर लीजिए और उसके उपयोग को तैयार कर लीजिए, ठीक है, तभी आप अपने फिजिक्स में बोर्ड एग्ज़ाम में 70 में 70 आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर आपको इसी तरह केमिस्ट्री में भी चाहिए कि मैम किस तरह 70 में 70 लाएँ, कौन से टॉपिक तैयार करें, तो आप लोग एक छोटी सी प्यारी सी अपनी कमेंट कर दीजिएगा, हमारी वीडियो क्रिएट हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हीट स्टोन सेतु तथा मीटर सेतु, ठीक है, एक व्हीट स्टोन सेतु या एक मीटर सेतु, दोनों को तैयार कर लीजिए बिल्कुल बारीकी से। चैनल पर बताया गया है, जितने भी बताए हैं ना, आप लोग एकदम एक मतलब कि एक टाइम टेबल बना लीजिए कि जितने भी हमारे 35 टॉपिक है उसको हम बिल्कुल उसको रोज़ डेली तैयार करें, ठीक है। और ये नहीं कि सिर्फ आप वीडियो देखें और बस सो गए, सब भूल गए कि मैम कौन से 35 टॉपिक बताई थी, क्या बताई थी, कुछ पता नहीं, बस इधर उधर गए, ठीक है, व्हाट्सअप फेसबुक ये सब पता है लेकिन ये सब कुछ नहीं पता है। तो ऐसा आप लोग मत करिएगा, इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है बायो सेवर्ट का नियम, पढ़ लीजिए, अभी समय है, वक्त है, वक्त गुजर जाने पे ना कुछ नहीं होता है, ठीक है, टाइम आपकी कभी वेट नहीं करती, आप टाइम का वेट करते हो। तो यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट जो है वो बायो सेवर्ट का नियम है, ये भी काफ़ी डायमंड क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट देखें, और देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है दो समांतर धारावाहिक चालकों के बीच बल एम्पियर की परिभाषा आपको लिखना है, ठीक है, एम्पियर की परिभाषा, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट 17वां जो टॉपिक है वो है कि एसी जनरेटर तथा ट्रांसफार्मर, इसका आपको क्या करना है, फिगर बनाना है, और ये आपके प्रैक्टिकल में भी आता है, तो आप यहाँ से तैयार कर लोगे तो आपकी प्रैक्टिकल भी तैयार हो जाएगी और आपके बोर्ड एग्ज़ाम भी तैयार हो जाएंगे, मतलब कि इससे दो बेनिफिशियल आपको मिलेंगे, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, ठीक है। आपको देखिए बार बार न कहना पड़े, इन सभी का सलूशन हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे, ठीक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट है कि एम्पियर का परिपथीय नियम क्या होता है, इसका आपको व्यंजक प्राप्त करना होगा, ठीक है, सूत्र, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए, कहीं से भी आप देख सकते हो, विद्या क्वेश्चन बैंक से भी, कोई भी क्वेश्चन बैंक से तैयार कर सकते हैं, या यूट्यूब चैनल से, या किसी टीचर वगैरह से आप हेल्प ले सकते हो, ठीक है, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए बिल्कुल। और हाँ, हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे कई ट्रिक और ट्रिप्स आर्ट इसी तरह सब्जेक्ट के हैं, ठीक है, अगर आप नहीं देखे तो चैनल पर अवेलेबल है, जाकर आप लोग देख सकते हो, ओके। और फिर उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हमारे प्यारे डियर, आप लोग देखिए यहाँ पे स्व प्रेरणा तथा अन्योन प्रेरणा क्या है, इसको ये बिल्कुल डायमंड क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और हमारे टेक्निकल लवली यूट्यूब चैनल को ना सपनों में भी मत भूलिएगा, उसको चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारी सी कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है वो आपके क्लास 12 फिजिक्स सेकेंड का है, ठीक है, ये भी जो सेकेंड होता है ना उसको भी आप लोग, ये नहीं कि सिर्फ फर्स्ट ही तैयार करो, सेकेंड में भी उतने नंबर के क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में जितने फर्स्ट से आते हैं, इसलिए आप सेकेंड को भी उसी तरह देखिए जैसे फर्स्ट को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के कारण प्रतिबिंब का बनना, इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। और हाँ, आपके जो फिजिक्स होते हैं उसमें न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल तैयार करने के लिए देखिए यहाँ पे हम आपको इस टॉपिक में न्यूमेरिकल नहीं लिए, आपको न्यूमेरिकल की एक अलग वीडियो है, उसकी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और वैसे भी हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 के डायमंड न्यूमेरिकल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने की फुल संभावना होती है, वो न्यूमेरिकल आपको डेली प्रोवाइड कराया जा रहा है चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके वहाँ से आप डेली हमारे वीडियो का बेनिफिशियल ले सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट रहा जो है वो है कि फ्रिंज चौड़ाई के लिए व्यंजक, फ्रिंजों की चौड़ाई के लिए व्यंजक किस तरह निकाला जाता है, क्या होता है, आप लोग इस टॉपिक को तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है व्यक्तिकरण तथा विवर्तन, ठीक है, व्यक्तिकरण तथा विवर्तन का डेफिनेशन तैयार कर लीजिए, दोनों में से पक्का है एक ज़रूर आता है, 100% हमने कई बार गारंटी दे चुका आपको, ठीक है, क्योंकि एज ए टॉपर हम एक टॉपर स्टूडेंट हैं। अगर आप हमारी टॉपर की वीडियो देखना चाहते हैं ना, तो हमारे
प्लेलिस्ट में, कोई भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो या हमारे यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो टॉपर की कहानी, उसमें हमारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो उसके बाद नेक्स्ट देखिए जो है वो लेंस मेकर का सूत्र, जो आपके लेंस वाले चैप्टर से है वो लेंस मेकर का सूत्र, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। कुछ भी अगर फिजिक्स में नहीं पढ़े आप ना, तो सिर्फ इन्हीं टॉपिकों को तैयार कर लीजिए और एक अच्छे मार्क्स लाएंगे आप। तो यहाँ पे लेंस मेकर के सूत्र को आप तैयार कर लीजिए। लेंस मेकर के सूत्र में आपको एक न्यूटन के फार्मूला मिलेंगे, न्यूटन के सूत्र को भी तैयार कर लीजिएगा आप, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वह कि संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन सूत्र, जो संपर्क में रखे पतले लेंसों का संयोजन सूत्र होता है F=F1+F2, ठीक है, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए। इसकी किस तरह ये निकल कर आता है, इसकी व्यंजक को आप लोग तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा कि सूक्ष्मदर्शी तथा खगोलिक दूरदर्शक का आपको फिगर बनाना होगा, इसकी क्रियाविधि लिखनी होगी पूरी, ठीक है, और आवर्धन क्षमता भी आपको तैयार कर लेना है, और इस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसके न्यूमेरिकल भी आपको तैयार करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो रहा वो रहा कि तरंगाग तथा हाइगेंस का सिद्धांत, ठीक है, जो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको तैयार कर लीजिए बिल्कुल। नेक्स्ट टॉपिक जो है कि वो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिए बिल्कुल। कई जितने भी क्वेश्चन है सभी इम्पॉर्टेंट है और ये आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण को आपको तैयार कर लेना है। और हाँ, अगर अभी तक आप मॉडल पेपर नहीं देखे तो केमिस्ट्री का मॉडल पेपर का वीडियो अपलोड है, आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है डी ब्रॉगली संबंध, इसमें डी ब्रॉगली का आपको पूरी व्यंजक प्राप्त करना, आप लोग बिल्कुल प्रैक्टिस कर लीजिए। आपको बहुत अभी आपके पास बहुत ही कम समय बचे हुए, इसलिए आप लोग प्रैक्टिस वगैरह सब चीज़ ऐसा करिए जैसे कल आपके बोर्ड एग्ज़ाम है, इसलिए आपको इस तरह के करने हैं, ठीक है। और आप इस आपके पास इतने कम समय ना कि आप लोग कोई भी क्वेश्चन को करिए तो उसी दिन बिल्कुल तैयार कर लीजिए बोर्ड एग्ज़ाम तक। तो यहाँ पर डी ब्रॉगली संबंध क्या है, इस पर आपको पूरी समीकरण लिखनी होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है हर्ट्ज तथा लेनार्ड प्रेक्षण, ठीक है। हर्ट्ज और लेनार्ड जो है वो एक दोनों साइंटिस्ट हैं, जो कि एक प्रेक्षण के दौरान बताए थे नियम, तो वही इनके सिद्धांत को आपको तैयार कर लेना है, नियम को क्या ये बताए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो परमाणु का रदर मॉडल, जो कि आप पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे परमाणु का रदर मॉडल को आपको तैयार कर लेना है। कितने सन में, ठीक है, कौन सा ये मॉडल दिए थे, आपको इनके तैयार कर लेना है, इनकी कमियाँ इनके लाभ सबको तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो रहा वो नाभिकीय विखंडन संयन से क्या तात्पर्य है, यानी नाभिकीय विखंडन संयन क्या होते। जितने भी टॉपिक है ना हमारे 35 टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए, 70 में 70 लाने से बोर्ड एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देखिए संलयन, ठीक है, देखिए सभी लोग जो है वो आप लोगों को इसी तरह आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करा दे रहे हैं, सोच समझ नहीं रहे, और आप लोगों के समय बहुत ही कम है, इसलिए आप लोग जो भी पढ़िए वो अच्छे से पढ़िए, और जो आपके इस कम समय में जो आपको बेनिफिशियल दे, जो आपकी लाइफ बनाए, उसी टॉपिक को आप लोग पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पे कुचालक तथा अर्धचालक आपको तैयार कर लेना है, जो डायोड होता है कुचालक और अर्धचालक का पूरी आपको संरचना विधि वगैरह तैयार कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो फोटोडायोड किस प्रकार फोटो लेता है, कैसे कौन से उसमें जो मशीन होते हैं वो कार्य करते हैं, आपको बिल्कुल क्रिया विधि वगैरह फिगर डायमेंशन सब चीज़ तैयार कर लेना है। नेक्स्ट है सौर सेल, ठीक है, सौर सेल जो होता है किस सिद्धांत पे कार्य करता है, कैसे कार्य करता है, आपको ये तैयार कर लेना है, डायमंड क्वेश्चन बिल्कुल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है और लास्ट क्वेश्चन है वो ठोसों में ऊर्जा का बैंड, किस तरह ठोसों में ऊर्जा का बैंड बनता है, कैसे एनर्जी इधर उधर जाती है, ठीक है, तो आप लोग को इसको तैयार कर लेना। ये रहा हमारा लास्ट और काफ़ी इम्पॉर्टेंट, जो कि हमारे 35 टॉपिक थे, जो कि आपकी पूरी लाइफ बना देगी। अगर फिजिक्स से आप डरते हो ना, जीरो अगर अभी तक हो तो हीरो बना देगी। तो आप लोगों को इन टॉपिकों को हमारे तैयार कर लेना है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना है। तो यहाँ पे ये रहे हमारे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स के, इसको अगर आप पढ़ लिए ना तो आपको 70 में 70 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आप लोगों को पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, और आप लोग इतने हेडिंग को सिर्फ तैयार कर लीजिए, और ज़्यादा मोटी आप फिजिक्स के
बुक को देख रहे हैं, डर रहे हैं ना, तो आप लोग मत देखिए, सिर्फ इसी टॉपिक को आप तैयार कर लीजिए और इसके साथ साथ आप डायमेंशन, यूनिट्स और न्यूमेरिकल को भी तैयार कर लीजिए। ओके, आज के इस वीडियो में इतना ही। हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 12th के आल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है और कई इम्पॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इम्पॉर्टेंट ट्रिक भी बताए गए हैं। अगर आप अभी तक अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल के कई वीडियो को नहीं देखे, ट्रिक वगैरह को नहीं देखे, तो प्लीज आप लोग हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे एक बार विजिट जरूर करें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।